अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। कभी कभार इंसान आउटिंग के लिए भी तैयार रहता है और इंसान की कोशिश होती है कि वो अपने हेक्टिक डेज़ में से थोड़ा सा वक्त निकाले और थोड़ी आउटिंग करे दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक चैनल से वाबस्ता हूँ और कितनी हेक्टिक जॉब होती है, उसमें हम जो है इतना वक्त नहीं निकाल सकते दोस्तों के लिए। लेकिन आज हफ़्ते के रोज़ जो है वो हम जो इस्लामाबाद ब्यूरो की हमारी टीम है पूरी, हमने एक प्लान किया कि आज हफ्ते को हम बारबेक्यू करें। मैं इस्लामाबाद के ये रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी जो टीम है वो अपना बनाने में मसरूफ़ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमारे आदिल निज़ामी साहब हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस हवाले से, और ये बारबेक्यू बनाने बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू करते हैं। अभी अमेरिका से आए हैं, वहाँ पर इन्होंने जो बाइडन है उनको भी जो है वो टिक्के खिलाए हैं। वो टिक्के खिलाने के बाद जो है वो जो बाइडन अब शायद सोच रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कॉल कर लें। तो आदिल निज़ामी को हम आदिल निज़ामी से पूछते हैं कि कैसा अपील कर रहे हैं, हेक्टिक डेज़ में से आपने वक्त निकाला है, पूरा हफ्ता जो है हमारा हेक्टिक होता है और एक आउटिंग के लिए आप आए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं जी आदिल? लंबे अरसे से इसकी प्लानिंग जारी थी और आज बिला आखिर जो है सब ने जो है कोशिश की और आज हम यहाँ पर पहुँच गए। मेरे ख्याल से गुज़श्ता साल हमने ये किया था सर्दियों में, तो दोबारा खुनकी है, दोबारा सर्दी वाला मौसम आ रहा है और आज हम यहाँ पे आए हैं, काफ़ी इन्जॉय करेंगे। हेक्टिक रूटीन होती है, टाइम नहीं होता, सबका एक साथ मिलना वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, एक साथ सारे लोगों का ऑफिस से निकलना बड़ा मुश्किल है। बिलाआखिर आज हम यहाँ पहुँच गए और इन्जॉय करेंगे जी। बिल्कुल, अभी कोयले इन्होंने जला लिए हैं आदिल निज़ामी ने, और अभी कोयलों को जो है वो आग पकड़ रहे हैं कोयले, जिसके बाद जो है वो सीखें भी तैयार कर रहे हैं। फैज़ान खान हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामेंट के रिपोर्टर हैं, ये पार्लियामेंट में तो काफ़ी सियासी सरगर्मियों को कवर करते हैं, लेकिन सीखें बनाना इनको कैसा लगता है, ज़रा इनसे पूछते हैं कि बारबी क्यू के हवाले से इनका क्या तजर्बा है। देखें, स्क्रीन पर तो हम लोग नज़र आते हैं, लोग समझते हैं शायद, पता नहीं, ये इनकी अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे बिल्कुल ये शायद दूर है, मगर हम लोग इंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं और आज इस तरह अभी हम निकले हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप लोगों के साथ और सारे मिलके निकलते हैं, तो एक अलग सा, क्योंकि हेक्टिक रूटीन तो हम लोगों की है, सुबह निकलते हैं रात तक काम के अंदर, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, क्योंकि ख़बर के पीछे भागना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। मगर ये एक्टिविटी जो है ये महीने में एक बार सबको करनी चाहिए, जितने भी लोग शायद वो चाहे वो जिस भी दफ्तर में काम करते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड हैं नहीं हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सरकारी महकमों के भी लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे आज इवेंट्स कर रहे हैं रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में, तो लोगों को निकलना चाहिए, ये हेल्दी एक्टिविटी है और इससे बड़ा कुछ जो है ना वो मज़ा आता है। एक जो आपके काफ़ी चीज़ें ऐसी दफ्तरों में चलती रहती हैं आपस में भी, वो भी ज़रा कम हो जाती हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये अच्छी एक्टिविटी है, इसको करना चाहिए। जी फैज़ान को आपने सुना, तो आज के जो हमारे स्टार जो कुक हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने कल से ही जो है वो ये तमाम सामान ख़रीदा, इसमें चिकन था, इसमें फ़िश थी और कीमा जो है इन्होंने सीखों के लिए बनाया। ये मोहम्मद ज़रीफ़ हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम की बीट करते हैं, ये भी दिखाएं। मोहम्मद ज़रीफ़ ने जो है वो कल से मेहनत की थी काफ़ी, और इस वक्त भी देखें ये अपना ऑयल जो है वो कढ़ाई में इन्होंने डाल दिया है तैयार करने के लिए। इन्होंने गोश्त ख़रीदा, गोश्त खरीदने के बाद जो है वो इन्होंने मछली खरीदी, रात भर इन्होंने मसाले जो है वो भी लगाए, और सुबह ही जो है आज इनकी ऑफ थी, लेकिन इस ऑफ के बावजूद जो है वो यहाँ आए हुए हैं और हमें जो है वो इंटरटेन करने के लिए भरपूर इन्होंने एक प्रोग्राम तश्कील दिया हुआ है, इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है हमारा, क्योंकि हम लोग अक्सर जो है वो उधर हमारा काम ऐसा होता है 24/7 हम लोग का काम है और ख़बरें भी होती हैं रात को, क्योंकि रिपोर्टर हो चाहे हम घर में हो या कहीं भी हो, न्यूज़ हमने देनी होती है, तो और हम सबका जो ब्यूरो की हमारी टीम है स्पेशली न्यूज़ की, हमारे लिए मिलना बड़ा मुश्किल होता है इकट्ठा। कभी कभार हमारे जावेद भाई हैं जो है अक्सर हमारे लिए खाना ले आते हैं, लेकिन मिल बैठ के फिर भी हम इस तरह सारे यानी कैमरामैन रिपोर्टर सब मिलकर नहीं बैठते, तो ये बड़ा इसका क्रेडिट जाता है आदिल भाई ने, हमें सबको कहा कि जी हम एक प्रोग्राम उन्होंने तश्कील दिया, उसके बाद फिर हमारे जो है बाकी दोस्तों सब ने मशवरा किया और कल हम सब ने जो है वो एक थोड़ा सा अमाउंट है वो हम सब ने जमा किया, और उसके बाद जो है अब ये देखें, ये एक हमारा कुक था सेरिना का, उसने हमें मेल्ट करके दिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी इसको, ये मैरिनेशन की बड़ी बेहतरीन है, इंशाल्लाह बड़ा मज़े की जो है वो चिकन टिक्का भी है और फिश भी है और उसके साथ साथ तमाम चीज़ें, तो इन्जॉय करेंगे हम लोग। खुर्रम भाई बहुत शुक्रिया।
जी बिल्कुल, मोहम्मद ज़रीफ़ की कोशिशें जो हैं वो वाकई जो है काबिल कदर हैं। इस हवाले से हमें खाना खिला रहे हैं आज, ये बारबेक्यू बनाकर इन्होंने बड़ी मेहनत की है कल से। अब मैं आपको बताऊं कि इसके साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं जावेद सुमरो, वो बड़े एक्सपर्ट हैं इस हवाले से अपना बारबेक्यू बनाने के हवाले से। हमारी गुज़िश्ता जो इस हुई हैं हमारी गैदरिंग, इसमें इन्होंने अपने जो है वो कमालात दिखाए हैं खाना बनाने के हवाले से। तो इनसे जानते हैं कि ब्यूरो चीफ के साथ साथ आप एक अच्छे कुक भी हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? भाभी तो काफ़ी आसानी होती होगी उनको कि आप अच्छा खाना बनाते हैं, ये आप फ़िश जो है वो इसको भी फ्राई कर लेते हैं। नहीं, बात फ़िश फ्राई करने की नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जितनी ज़िंदगी गुजारी है उसमें कुकिंग करना सीख ली थी, और तकरीबन आधी ज़िंदगी अपनी हॉस्टल की गुजरी है तो उस हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारने की वजह से सारी चीज़ें सीख ली थी। नो डाउट कि घर वाले खुश हैं, क्योंकि कभी कभी उनको ये होता है कि जी आज आप बना ले तो हम बना लेते हैं चीज़ें, लेकिन ये कुकिंग का शौक़ भी है वो कर लेते हैं। और जिस तरह सारे दोस्तों ने कहा कि ये जो हेक्टिक डेज़ होते हैं हमारे हर वक्त, उन हेक्टिक डेज़ के अंदर इस किस्म की जो गेट टुगेदर है और लाइटर से मूड में तमाम स्टाफ को इकट्ठे होने में बहुत ज़्यादा एक तो इन्जॉय करते हैं, और वो जो हेक्टिक डेज़ के अंदर और हेक्टिक की सिचुएशन होती है हर वक्त खबर खबर खबर, उससे कुछ देर के लिए हट के यहाँ पर बैठते हैं और गपशप होती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है और अच्छा साइन है। जी इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि हमारे कैमरामैन हैं, नौजवान कैमरामैन हैं ज़िया मुमताज़ इनका नाम है, फील्ड के अंदर बड़े मशहूर हैं, ये बड़े फुर्तीले हैं, भाग कर जो है दीवार पे चढ़ जाते हैं, खुसूसन उस वक्त जब मरियम नवाज़ आती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये हाई कोर्ट की जो दीवार है उस जंगले के ऊपर खड़े होकर ये फुटेज बनाते हैं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं इस हवाले से। इनसे भी जानते हैं कि आज आप यहाँ आए हैं तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है खुर्रम भाई, हर वक्त फील्ड में रहते थे और बहुत से दोस्त इस तरह इकट्ठे हम लोग नहीं मिलते और इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जी ज़िया को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, कुछ साथी हमारे अभी आना है, उन्होंने अभी यहाँ प्रिपरेशन जो है वो हम कर रहे हैं, अपना सीखें जो हैं वो तैयार हो रही हैं, इसमें अभी अंगीठी जो है उसको दहकाया जा रहा है, जिसके बाद जो है वो प्रॉपर जो है हम बारबेक्यू का जो आगाज़ कर देंगे। हमारे कुछ कुलीग्स हैं और स्पेशली जो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे मेहमान खुसूसी जो हैं वो हमारे दोस्त और हमारे एक्स कुलीग जो हैं वो तैयब गुलफाम है, जिनका इंतज़ार है, जैसे ही वो आएँगे तो उसके बाद प्रॉपर इस आज की पार्टी का जो है वो आगाज़ कर देंगे। ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर तैयब जो हैं वो आ गए हैं, इनसे हम बात करते हैं। तैयब, आप हम न्यूज़ को जो है वो यहाँ से रिज़ाइन करके 92 चले गए हैं, तो कैसा आप फील कर रहे हैं, हमें मिस कर रहे हैं आप? ज़रा भी सर, दोस्तों यारों को तो मिस करता है, इन्वायरमेंट का ज़रा डिफरेंस होता है, लेकिन वहाँ पर ज़रा सुकून .com वाले शोर शराबा नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर ब्यूरो है, हम CNR में बैठे हैं, ये डिफरेंस है। चलें जी, आपके लिए वेल विशेस। एडजस्ट हो, कोई भी आप इदारा छोड़ते हो नई जगह पे आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जी जी, तो ये आप ये आपके एजाज़ में आज ये पार्टी है, तो ये कैसा बना हुआ है, ये ज़रीफ़ साहब ने बनाया है? अभी तो कर रहे हैं ना, कुछ जला हुआ, दो तो खा गए हैं ना आप, तो कैसा नहीं की तरह थी, तीन है वैसे ही, फिर तिक्का मिलेगा ना उसको भी, तो खा देना वो ज़रीफ़ जी, वो उनको तिक्का मिलेगा ये ज़रीफ़। ठीक है, तैयब इंजॉय करने जा रहे हैं, करें जी खाएं जितना खाना है आप, तैयब ये सब आपके लिए, ये फिश भी खाएं तैयब साहब, खाएं खाएं तैयब खाएं, बाद में हम आपसे बिल ले लेंगे जी। तैयब ये चिकन, ये चिकन सफेद चावल और दाल पके हुए थे, ये फिश है आपके लिए, ये खाएं। जी फरा बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? It always feel good जब आप अपने इतने hectic routine के बाद जो है एक इस तरह का get together करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो कहीं ना कहीं हमारा office और हमारे office के colleagues ही हमारी family होते हैं, क्योंकि journalist की life जितनी busy होती है, पूरा दिन के तकरीबन आधा दिन तो है जो इन्हीं के साथ गुजरता है, तो हम अपनी family से ज़्यादा अपने official family को ज़्यादा time देते हैं, तो हमेशा अच्छा लगता है जब इस तरह का कोई gathering कोई get together होता है, हिस्सा बन के मज़ा भी आता है, थोड़ी रिफ्रेश हो जाता है बंदे का मूड भी, क्योंकि बड़ी हेक्टिक रूटीन रहती है कोर्ट में, तो अच्छा लग रहा है सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं मज़ेदार। ये एनी शिराजी हैं, ये हमारी पार्लियामेंट की रिपोर्टर हैं साथ में, ये पीपल्स पार्टी को कवर करती हैं, तो इनका भी डे जो है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, रूटीन इनकी बड़ी हेक्टिक होती है, तो आज ये भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ, पार्टी कर रही हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, फ्री आप टाइम निकाल के जो आई हैं यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, और रूटीन इस तरह की होती है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम से आगे टाइम का पता नहीं होता कि आप फ्री कब तक होंगे, सो और स्पेशली जब आप जर्नलिज्म में आते हैं, या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप कंजेक्यूटिवली ऑफिस जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, बीट में जा रहे हैं, तो उसके बाद एक
जो होता है रिफ्रेशमेंट का मौका आपको कभी कभी बहुत कम मिलता है, लेकिन ये जो कंसेक्टिवली ऐसे मौके आपको मिलने चाहिए ताकि आप रिफ्रेश हो सकें, और इस तरह के इवेंट्स और ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से रिपोर्ट कर सकें। खाने मिक्स हो जाएगा। इस वक्त यहाँ पे बारबेक्यू पार्टी चल रही है इस्लामाबाद ब्यूरो की, और हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इसमें फेंटा है, बारबेक्यू रोस्टेड है, जो आदिल भाई है वो उन्होंने जिम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं जो है वो ग्रिल करने की, साथ फिजान भाई और जरीफ जो है वो खा रहे हैं, इंतजामिया में भी हैं, हम सबके पैसे भी मारे हैं इन्होंने।